हेलो, कैसे हैं? सब ठीक है? हेलो हेलो। वाह, बड़ी भूख लग रही है। अरे यार, कोई ऑर्डर लेंगे प्लीज़? पापा जी, वही जो स्पेशल टोस्ट बनाते थे ना मक्खन लगा के, और स्पेशल ऑमलेट मसाले वाला, वही बना दीजिए आप। बड़ी जल्दी ले आए यार, थैंक यू सो मच। मैं बड़ी भूख लग रही है और जल्दी भी जाना भी है। पत्थर, ये कैसे हो गया? मंगाया ब्रेड, निकला पत्थर। गलती हो गई सर, माफ कर देना। पापा चलो वो यार फिश फ्राई ले आया यार, बस बड़ा अजीब सा लगा, पत्थर दे दे। अरे वाह, फिश फ्राई कमाल की चीज। पापा जी बड़ी जल्दी ले आए, कोई बात नहीं। ये क्या है? ओ, ये क्या? मांगा फिश फ्राई, निकला है सांप। पर देखिए बाइबल में क्या लिखा है, मैं पढ़ के बताना चाहता हूँ। वो कौन सा बेटा है अगर अपने पिता से रोटी मांगे तो क्या उसको वो पत्थर देगा, और अगर वो मछली मांगे तो क्या उसको वो सांप देगा? जब हम इतने दुष्ट हैं अपने विचारों में, कामकाज में, कार्य में, जब हम अपने बच्चों को ऐसी चीज़ें नहीं देते, और हमारे माँ बाप इतने अच्छे हैं हमारे साथ, इतने प्रेमी हैं हमारे साथ, तो क्या हमारा स्वर्गीय पिता इससे बेटर चीज़ें हमें नहीं दे सकता? मुझे अभी भी याद है, मेरी वाइफ ने बताया कि एक दिन रात को थकी आई वो, और उसने डैडी को बोला जब वो कॉलेज में थी, डैडी मुझे बर्गर खाना है। उनके पिताजी रात को पत्नी कहाँ ढूंढने गए, ढूंढ के उसके लिए बर्गर लेकर आए। हम जब माँ बाप अपने बच्चों को इतनी अच्छी चीज़ें देना चाहते हैं, इतना परिश्रम करते हैं, इतनी कोशिश करते हैं, तो क्या हम अपने माँ बाप का आदर नहीं कर सकते? याद रखें, एक दिन आप भी माँ बाप बनेंगे, और जब आपके बच्चे आपसे कुछ मांगे, जैसे ऐना मुझसे मांगती, डैडी मुझे चॉकलेट चाहिए, डैडी मुझे वो चाहिए, मुझे वो चाहिए, तो एक पिता का दिल है कि हम देते हैं। पर आपको पता है हमारा स्वर्गीय पिता, उसने क्या दिया हमें? उसने अपना इकलौता पुत्र दिया, प्रभु यीशु मसीह। वो हमारे लिए इस दुनिया में आया, मारा गया, गाड़ा गया, और तीसरे दिन जी उठा। और आज अगर हम क्षमा मांगेंगे उससे, तो हमें क्षमा करेगा। दोस्तों, अपने स्वर्गीय पिता को पहचानो, और अपने माँ बाप की आदर करो, क्योंकि परमेश्वर का वचन यही है। अरे बिरयानी आई नहीं आई? अरे जल्दी से भाई। हाँ वाह, आज तो बिरयानी है।